चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। मैग्नेटिक इक्वेटर ये अर्थ है, ठीक है, ये मैग्नेटिक, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन मान लो या एक्सिस कर दो, ये मैग्नेटिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक मेरिडियन कंसिडर कर लो। तो मैग्नेटिक इक्वेटर यहाँ होगा, ये होगा आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। तो एज्यूम कर लो ये है आपका साउथ पोल, इधर है साउथ पोल, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसमें फील्ड लाइन इंटर करेंगी, इसमें से फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा कुछ अलग कलर्स दिखाते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन है, ऐसे इंटर, इधर से निकल रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे। तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा? इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन सरफेस के पैरेलल होगा, सरफेस के पैरेलल होगा। तो अगर यहाँ पर डिप निडल अगर यहाँ रखी जाएगी तो वो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ना, डिप निडल यहाँ रखी जाएगी इस जगह पे, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब कुछ इस तरह की दिखेगी डिप निडल, जो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ठीक है। डिप निडल का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा ये शो करेगा या जीरो डिग्री पे, ठीक है। तो एंगल कितना होगा? जीरो डिग्री होगा एंगल ऑफ डिप की वैल्यू, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।